जो ये नेता लोग हैं वो क्या करते हैं, जो मर्जी बोल देते हैं। प्रशांत भूषण ने क्या बोला, प्रशांत भूषण ने क्या बोला, ये राष्ट्र विरोधी बयान है उसका। भारत की जनता को इतनी ठेस पहुंची है कि इस बयान को माफ नहीं किया जाएगा, इस देशद्रोही को माफ नहीं किया जाएगा। चलिए धन्यवाद बहन जी, माफी देने को तैयार नहीं, आप माफ करने के लिए तैयार हैं? नहीं तो बोलिए। हाँ जो प्रशांत भूषण है और अभी कुमार विश्वास ने भी पीछे बयान दिया, और अब प्रशांत भूषण, अब उसके बाद केजरीवाल जो ये बयान दे रहे हैं, उल्टा सुल्टा, जो अब जो देश की धरोहर है जम्मू कश्मीर के ऊपर, जो ये बयान दे रहे हैं इसके ऊपर प्रशांत भूषण को जो अभी जो उसने आप पीटा है वो बहुत अच्छा किया है। और यदि ये अवसर हमारे को भी बाली की जनसंख्या को भी मिला तो हम भी उसको आमने सामने मिला तो हम उसकी खाल उतार देंगे। बिल्कुल, देशद्रोह की सजा, वैसे तो सजा मौत होनी चाहिए, लेकिन इस देश ने हमेशा ही ऐसे जो साफ होते हैं, जो दूध यहाँ का पीते हैं और यहाँ को ही डंश मारते हैं, ऐसे लोगों को हमारी सहनशीलता के कारण, शांति का संदेश देने के कारण ये लोग यहाँ पर बड़े हैं। कुछ और लोग अपनी बात को रखें। मेरा नाम योगेश वर्मा है और मैं कहना चाहूंगा, एक तरफ तो हम हिंदू मुसलमान भाई भाई की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। नहीं, कौन जो करते हैं, लोग हम नहीं करते हैं। कश्मीर, एक मिनट, आज का मैं विषय कहना कश्मीर है, चाहूंगा, कश्मीर। टोकन आज मैं कश्मीर का ही मुद्दा, जो लोग कश्मीर नहीं गए हैं मैं बताता हूँ, यहाँ पर ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों के लिए 100 रुपए का चालान काटा जाता है। आपको पता है कश्मीर में क्या होता है? कश्मीर में मिलिट्री वाले ट्रैफिक रूल तोड़ने वाले को चौराहे पर मुर्गा बनाते हैं। ये गलत है, हम इसका खंडन करते मैं हैं, कहता हूँ ये गलत है। मैंने आप ऐसा दावा नहीं कर सकते। मैं आई विटनेस हूँ। नहीं 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 बोलोगे, मैं आई विटनेस हूँ, बात को काटा ना जाए। एक मिनट, बात, आप गलत, वहां पर मुर्गा बनाया जाता है। इस प्रसारण का आप गलत फायदा नहीं उठा सकते। हम कहेंगे, हाँ जो प्रशांत, देखिए आप अगर प्रशांत भूषण के समर्थक भी है तो भी हम आपको बोलने का मौका देंगे, लेकिन आप आर्मी के ऊपर इस तरीके से गर्व आरोप नहीं लगा सकते, आप पाकिस्तान की भाषा नहीं बोल सकते। हाँ बोलिए 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 बोलिए। अरे आप हेलो, मैं एक मिनट ऊपर आइए। हाँ आप आइए आइए, आप बोलना चाहते हैं आइए आइए। देखिए हम यहाँ एक तरफा बात नहीं कहेंगे, जिसको अपना पक्ष रखना है उसको भी टाइम देंगे। हाँ आइए आइए, कौन बोलना चाहता है? मैं एक आप बोलिए पहले। हाँ मैं बताना चाहता हूँ, मैं भारतीय वायुसेना में कार्यरत रहा हूँ और मैं श्रीनगर में भी रहा हूँ। आगे से आगे से आगे। आज जो फौजी देश की श्रीनगर में काम कर रहे हैं उनके हाथ में हथियार दे दिए जाते हैं, और ये जो केंद्र में नपुंसक सरकार बैठी है इन्होंने उनके हथियार चलाने पर पाबंदी लगा रखी है, और ये आतंकवादी जो श्रीनगर में जो विदेशी पाकिस्तान के साथ मिलकर वहां पर आतंकवाद फैला रहे हैं, ऐसे लोग वहां पर खुलेआम वहां पर इन फौजियों के ऊपर गोलियां चलाते हैं, और ये फौजी नितते होकर, ये कैसा कानून है इस देश का? क्या फौजी का परिवार नहीं होता? क्या फौजी का जीवन नहीं होता? जो उस पर गोली चलती है और वो मरता है देश के लिए, वो देश के लिए मरता है। राकेश, और ऐसे बुद्धिजीवी जो पैसे लेकर विदेशों से इस देश के अंदर इन विदेशियों की, नक्सलवादियों की, आतंकवादियों की वकालत करते हैं, ऐसे लोगों को जो है जेल में डालना चाहिए, और ऐसे लोग जो यहाँ पर आकर झूठ बोल रहे हैं, देश के साथ इस तरह की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी जेल में डालना चाहिए। हेलो बोलिए बोलिए। चाहे कोई देशद्रोही हो, कहीं का भी हो, जो है वो बेकार है, चाहे वो हिंदुस्तानी हो, चाहे श्रीलंका का हो, चाहे कहीं का भी हो, श्रीनगर का नहीं हो, पाकिस्तान हो, चाहे कोई भी हो, वो देशद्रोही तो देशद्रोही है, उसको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। हाँ आगे आप। हाँ चलिए इधर।
जो देश की हित की बात करेगा, जो देश के हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। यदि इस जैसे निकम्मे आदमी देश के ऊपर यदि गलत बोल देंगे तो इनको भी जूते लगेंगे। हाँ हाँ आगे आगे हाँ। भाई साहब आज सरदार पटेल जी याद आ रहे हैं जिन्होंने 550 से ज्यादा रियासतों को तोड़ के देश को एक किया। और वहीं जो ये प्रशांत भूषण जी जो है देशद्रोह का काम कर रहे हैं, देशद्रोही का काम कर रहे हैं, ये देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, साथ में ये सेना विरोधी काम कर रहे हैं, इनको देश छोड़ के पाकिस्तान चले जाना चाहिए। बिल्कुल, मैं थोड़ा एक मिनट कह रहा हूँ यहाँ पर, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि प्रशांत भूषण ने एग्जैक्टली क्या बोला है। जिस शब्दों के ऊपर हमको आपत्ति है वो शब्द मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा है पाकिस्तान कहता, एक मिनट हेलो, अब पीछे मत बोलिए। हाँ, पाकिस्तान कहता है कि जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा है, हमारी बात के समर्थन के लिए हम मांग करते हैं कि कश्मीर में जनमत संग्रह किया जाए। यह पाकिस्तान कहता है, यह पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे कहता है। सेम बात भारत का कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल का या अराजनीतिक दल का या कोई पागल भी कहेगा तो भी वो देशद्रोही है या नहीं, यह हमारा सवाल है। और इस सवाल पर हम बात कर रहे हैं, हमें राजनीतिक दलों से मतलब नहीं है। आपका विचार कुछ भी हो सकता है, आप किसी भी दल के वोटर हो सकते हैं, लेकिन हम मानते हैं कि आप किसी भी दल के वोटर होने के बावजूद आप नागरिक केवल हिंदुस्तान के हैं, और इसलिए आपको अपनी प्रतिक्रिया हिंदुस्तान के पक्ष में देने की जरूरत है। अगर कोई पाकिस्तान परस्त की बात करता है तो इससे तो फायदा पाकिस्तान को होगा। आप लोग जो आज यहाँ आए हैं, आपको पता होगा कि आज दोपहर में पाकिस्तान के अधिकृत बयान आया है और उन्होंने प्रशांत भूषण को थैंक्स कहा है। क्या आप थैंक्स कहेंगे? पाकिस्तान खुश हुआ है, हिंदुस्तान दुखी हुआ है। पाकिस्तान के खुशी में खुश होना है या हिंदुस्तान के दुख में दुखी होना है, यह आपने तय करना है, हिंदुस्तान ने तय करने की जरूरत है। और इसलिए इस देश के राजनीतिक दल इस विषय पर बोलने को तैयार नहीं तो क्या हिंदुस्तान चुप बैठेगा? हमने सोचा कि एक चैनल होने के बावजूद हम मैदान में उतरेंगे और जनता की राय लेंगे, भले जिसको जो कहे ना कहे। मैं केवल यहाँ पर बैठे अपने एक भाई को ही नहीं, प्रशांत भूषण को हम कहते हैं कि हमारे तीन लाइव बिंदास बोल है, आप जहां चाहे वहां पर आए, हम आपके साथ बहस करने को तैयार है। क्योंकि हिंदुस्तान के लिए अगर हम लड़ने को तैयार है तो बहस करने से क्यों भागेंगे? भागने वाले तो डरपोक होते हैं जो ऐसे बयान देने के बाद घर के अंदर छुप जाते हैं। इसलिए बोलना जरूरी है, जो भी बोलना चाहता है अपनी बात को रखेगा। लेकिन उसके पहले यहाँ पर गजेंद्र सोलंकी जी को भी मैं कहूंगा कि वो एक कविता जिसके द्वारा ऐसे लोगों को काव्य प्रतिभा क्या जवाब देती है, ये भी आपके सामने रखे। बड़ी अजीब सी स्थिति अभी पीछे हुई हमारे भाई के स्टेटमेंट से। उनको शायद पूरी परिस्थितियों का पता नहीं है। लाखों कश्मीर के नौजवान और हमारे सेना के जवान उग्रवाद की भेंट चढ़ गए। अगर किसी उग्रवादी आतंकवादी को मुर्गा बनाया भी जाता है तो मैं चाहता हूं कि इस पे तालियां होनी चाहिए। अगर जो हमारी सेना किसी को मुर्गा बनाती है, किसी निर्दोष व्यक्ति को कभी मुर्गा नहीं बनाया जा सकता है। कुछ ना कुछ पकड़ा गया होगा उसके साथ में, उसी व्यक्ति के साथ में। हमारी सेना दुनिया की सबसे अच्छी सेनाओं में से एक सेना है। एक बार नारा लगना चाहिए, भारत माता की। करगिल में घुसपैठ हुई थी, करगिल में घुसपैठ की थी, आपको याद होगा। और सेना की बात करते हो आप, हमारे सैनिकों ने, पाकिस्तान के जो सैनिक थे, घुसपैठिए थे, वो चोटियों पर बैठे हुए थे और हमारे सैनिकों ने नीचे से चोटियों पर कब्जा किया था। आप सोचिएगा, ऊपर से गोलियां चल रही है, नीचे से ऊपर चढ़ के उन्होंने कहीं ना कहीं उन चोटियों पर उन घुसपैठियों को मारा और भगाया इस देश से। तो हमारी सेना के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, अगर आज आप सुरक्षित बैठे हुए हैं तो हमारे देश की देशभक्त सैनिकों के कारण बैठे हुए हैं। याद रखिएगा,
ये जो आप बोल रहे हैं लोकतंत्र की कारण बोल रहे हैं और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सैनिक जो है सीमाओं पर सर पे कफन बांधकर कहीं -40 डिग्री टेम्परेचर हो या कहीं 50 डिग्री टेम्परेचर हो कहीं राजस्थान का या कहीं सियाचिन में सैनिक जिनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं कहीं वो अपने देश की रक्षा के लिए लगातार 24 घंटे लगे रहते हैं। आप सैनिकों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे? और कहना चाहता हूं कभी गोधरा कालू चकिया मानव अधिकारों की भाषा जो हमको समझाते हैं, मानव अधिकारों की बात की जाती है इस देश में, आपको याद होगा 4.5 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडित इस देश में दर दर भटक रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मानव अधिकारों की भाषा, एक उग्रवादी आतंकवादी मारा जाता है तो कहीं मानव अधिकारवादी निकल आते हैं। मैं कहना चाहता हूं इस देश की जनता के सामने कि मानव अधिकारों की भाषा जो हमको समझाते हैं उनके ही द्वारा हिंसा के पाठ पढ़ाए जाते हैं। क्या मानव अधिकार का मतलब गुंडों को आजादी है? मानव अधिकारों का मतलब भारत की बर्बादी है। मानव अधिकारों का मतलब भारत की बर्बादी है। कभी गोधरा कालू चकिया अक्षरधाम हुआ घायल, घाटी से शरणार्थी बन जब बार बार रोती पायल। जब हमले बाबर गौरी गजनी की याद दिलाते हैं, जब हमले शैतानों की असली औकात बताते हैं, तब क्यों मानव अधिकारों को हम पर लादा जाता है? हमको दुनिया का दादा भी शांति पाठ सिखाता है, हमको दुनिया का दादा भी शांति पाठ सिखाता है। मैं अपने भाई के जो निरपेक्षता है उस पर प्रणाम करता हूं। मैं कवि हूं, हिंदू मुसलमान की बात जब करता हूं तो मैंने कभी लिखा था इस देश में जो हिंदू हो या मुसलमान हो, जो भी इस हिंदुस्तान का निवासी है वो इस देश की उसकी रगों में जो खून बह रहा है उस देश का खून है। मैंने लिखा कि जुग जुग से कल कल कर कहता गंगा जमुना का पानी है, इस धरती पर जन्म लिया बस अपनी यही निशानी है। और एक सभ्यता एक संस्कृति, एक सभ्यता हाथ उठे तो सबके उठने चाहिए कि एक सभ्यता एक संस्कृति अपना इतिहास बताता है और जाति पंथ सब भले अलग पर खून तो हिंदुस्तानी है। आप याद रखिएगा यहां पर एक एक व्यक्ति जो भी है, राजनीतिक दल राजनीति बहुत बड़ी शक्ति होती है, याद रखिएगा। हो सकता है कुछ लोग आपको भ्रमित कर रहे हो, अगर उनके बारे में उनकी जेनेटिक्स के बारे में उनके बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानेंगे तो आप धोखा खाएंगे। ये याद रखिएगा मैं जो कह के जा रहा हूं। एक छोटा सा गीत पढ़ना चाहता हूं उन सैनिकों के लिए, उन नौजवानों उन जवानों के लिए जो अपने सर पे कफन बांधकर कहीं सीमाओं पर देश की रक्षा करने के लिए लगे रहते हैं। कि जो अपने भारत के गौरव मूरत हैं बलिदान की, जय जवान और जय किसान, अब बोलो जय विज्ञान की, वंदे मातरम वंदे मातरम। मेरे साथ गाइएगा वंदे मा, मेरा भाई भी गाएगा, जोर से खड़े होके गाएगा, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। जो पहरी बन सीमाओं पर मृत्यु से लड़ते हैं, सींच सींच कर खून पसीने से माटी महकाते हैं, जो मृत्यु से लड़ जाते हैं जो माटी को महकाते हैं, जिनकी मेहनत से ही महके निर्जन रेगिस्तान भी, जय जवान और जय किसान, अब बोलो जय विज्ञान की, वंदे मातरम। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, लगता है कि कुछ देशभक्ति का जज्बा थोड़ा कमजोर है, एक बार जोरदार आवाज आनी चाहिए, वंदे मातरम। जिन चरणों पे शीश झुकाती हिमगिर की मालाएं, आप सोच सकते हैं कि बहुत भारी कहीं 15-20 किलो का कहीं बैग होता है, हाथ में राइफल होती है 10 किलो की कम से कम, और उसको लेकर आप सोचिएगा कि किस प्रकार से पर्वतों पर चढ़ते हैं, वो कहीं जाके सीमाओं की रक्षा करते हैं। आप सोचिएगा उनके बारे में अगर कोई कहता है आज हेमराज का जो सर काटा गया था पाकिस्तानी घुसपैठियों के द्वारा, उसका कहीं आज वीडियो चैनलों पर आपने देखा होगा, खून खोल जाता है देखकर। और इस देश के कहीं ना कहीं आप जानते हैं जो हमारे गृह मंत्री हैं वो क्या बयान देते हैं कि पुरानी बात हो गई, शहीद तो अमर होते हैं। शहीद अमर होते हैं नहीं होते? आवाज आनी चाहिए आपकी। उस परिवार का सोचिएगा जिसने अपना बेटा खोया, उसकी मां का क्या हाल होगा, उसकी पत्नी का क्या हाल होगा, उन बच्चों का क्या हाल होगा, वो कहीं उनके ध्यान में नहीं आया।
तब मैं कहना चाहता हूं कि जिन चरणों पे शीश झुकाती हिमगिर की मालाएं, जिन चरणों पे शीश झुकाती हिमगिर की मालाएं, जिन चरणों पे शीश झुकाती हिमगिर की मालाएं, कल कल बहते झरने नदियां गौरव की सुनाएं, जिनकी यश गाथाएं गाएं, जिनके पौरुष से ही महके निर्जन रेगिस्तान भी, जय जवान और जय किसान, अब बोलो जय विज्ञान की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और याद रखिएगा ये बात जो कहना चाहता हूं मैं, हिंदुस्तान को कभी भी दुश्मन नहीं हरा सकते। हिंदुस्तान को प्रताड़ित करते रहे, कहीं पीड़ित करते रहे हैं, कहीं हराते रहे हैं, तो हिंदुस्तान के कुछ ऐसे गद्दार लोग होते हैं जो हिंदुस्तान का खाते हैं लेकिन गाते कहीं बाहर वालों का है, जिसके ऊपर एक कार्यक्रम रखा गया है। मैं कहना चाहता हूं, एक छंद देना चाहता हूं आप देशभक्त लोगों के बारे में कि सदा करते जो अपमान प्यारे भारत का, ऐसे देशद्रोहियों का नाश होना चाहिए। भरपूर समर्थन कीजिएगा अंतिम पंक्ति कि सदा करते जो अपमान प्यारे भारत का, ऐसे देशद्रोहियों का नाश होना चाहिए, और जिस धरती पे जन्मे हैं उसके लिए भी प्राण तजने का एहसास होना चाहिए। तो चाहे कितना भी तम घिर आए चारों ओर, किंतु आदमी को ना निराश होना चाहिए, और देशद्रोहियों का सर्वनाश करने के लिए सबको पटेल और सुभाष होना चाहिए जी, सबको पटेल और सुभाष होना चाहिए। भारत माता की, हाथ सबके उठने चाहिए, मुझे पता चलना चाहिए देशभक्तों की भीड़ है यहां पर। भारत माता की, अब लगा कहीं कहीं हिंदुस्तान का वो लहू वो खून कहीं गर्म हो रहा है, लावा बन रहा है, जो हिंदुस्तान के बारे में गलत बात करने वालों को सबक सिखाने के लिए तैयार है। कुछ लोग कवि बहुत सारे घूमते रहे इंटरनेट के नटवर लाल बनके, आपने देखा होगा बहुत सारे चार चार पंक्तियां डाल के, एक दो लोग तो ऐसे हैं बहुत कहीं ना कहीं बड़े नेता बन के बैठ गए। भाई सुरेश जी जानते हैं कि कहीं ना कहीं एक मुझे पंक्ति याद आती है, वो शख्स कद दिखता जिसका बहुत बड़ा है, ध्यान से देखो तो किसी और के कंधों पे चढ़ा है। तो दूसरों के कंधों पे चढ़ चढ़ के अपना कद बड़ा करने वाले ऐसे लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है। वह अब हम चलेंगे, अब हम निकले हैं उस देशभक्ति के अभियान के लिए, और आप जैसे देशभक्त लोगों का साथ चाहते हैं हम। एक बार नारा लगाइएगा, भारत माता की, वंदे वंदे, दूध मांगो खीर देंगे, दूध मांगो खीर देंगे, और वो चिरने के लिए सर किसका ये नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारे नजर में केवल देशद्रोही रहेंगे, केवल देशद्रोही रहेंगे। वो हमारा है या पराया है, नाम से हिंदुस्तानी है या पाकिस्तानी, ये मुद्दा नहीं है। वो पाकिस्तान परस्त है या हिंदुस्तान परस्त है, यही केवल फर्क है। और इसलिए आज के बिंदास में मैं लाइव देख रहे हमारे जो बंधु हो गए उनको भी विशेष कहूंगा कि मैं जानता हूं कि लाइव टेलीकास्ट में जो लोग अपनी बात को फोन पर कहना चाहते हैं उनको भी कार्यक्रम के आखिर में हम एक नंबर थोड़ी देर में चलवाते हैं, ताकि आपका जो जोश है वो हम स्पीकर फोन पर यहाँ जमे हुए लोगों को भी जरा दिखा सके। फिलहाल यहाँ बैठे हुए जो लोग अपनी बात को कहना चाहते हैं उनके पास चलते हैं। गौरव, हाँ बताइए। मैं आपको सीधा तौर पर यह कहना चाहूंगा कि जो प्रशांत भूषण जी ने जो बयान दिया है कि जनमत संग्रह, वो वहां की जनता से, इनसे मैं तो ये कहूंगा कि ये आईएसआई के सीधे एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। ऐसे आदमी गद्दार ही नहीं, इनको तो फांसी की सजा निर्धारित करनी चाहिए कि जब भी कोई आदमी अगर देश के खिलाफ बयान देता है। यहां हमारे अभी आपने देखा था कल एक साल पहले हमारे जो शहीद जवान हुए हैं, जो पाकिस्तान के आतंकवादी गुट जहां हमारे सैनिकों के सर काट के ले जाते हैं इतनी सेना के होते हुए, और ये कहते हैं कि वहां से सेना हटा ली जाए या जनमत संग्रह कराया जाए, सीधे सीधे तौर पर पाकिस्तान के एजेंट के रूप में ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये सर उनका नहीं कटा है, आपके हमारे भाई का कटा है। क्या आप मानते हैं ऐसा? ये हमारे भाई का सर कटा है, ये हमारे भाई के सर कटा है, तो काटने वाले को माफ करेंगे? काटने वाले को माफ करेंगे? काटने वाले के समर्थकों को माफ करेंगे? नहीं। और इसलिए बिंदास बोलेंगे। अगले अपने भाई क्या बोलते हैं? सबसे पहले तो मैं स्वतंत्र निज वालों को
धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो हमारे बादली में उन्होंने पहला कार्यक्रम यहाँ पर रखा। और प्रशांत भूषण मारे के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि इन्होंने जो गलत बयान देके बयानबाजी की है, इतने उच्च पद पर बैठे हुए ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान से मिले हुए हैं, इनको इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए और ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए। हाथ ऊपर करके बताइए, मुकदमा चलना चाहिए, चलना चाहिए, चलना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा। अगले प्रशांत भूषण जी ने जो देशद्रोही बयान दिया है, सबसे पहले तो वो 20,000 जो सैनिक, एक मिनट, ये सबका पीछे से आवाज आ रहा है कि प्रशांत भूषण के नाम जी क्यों लगा रहे, वो जी के लायक नहीं है, जी के लायक नहीं है, मानते हैं भूषण वो जी के लायक है नहीं, जी के लायक है, हाथ उठा के बोलिए, जी के लायक है नहीं। आम आदमी पार्टी के नेता प्रशांत भूषण ने जो देशद्रोही बयान दिया है, कश्मीर पर जो लगभग 20,000 सैनिक आज तक शहीद हुए हैं और वहां के 6.5 लाख कश्मीरी हिंदू वहां से भगाकर पाकिस्तान की सेना ने और आतंकवाद के द्वारा जो प्रोक्सी वार चल रहा है उन लोगों की आत्मा के विरोध में, और मैं तो इतना कहूंगा कि देशद्रोह नहीं, इनको तो सरेआम भारत सरकार और देश के गृह मंत्री स्वयं इन पर मुकदमा दर्ज करने के लिए दिल्ली पुलिस जाए, अरेस्ट करे और इनको सामान्य फांसी नहीं, इंडिया गेट पर सरेआम फांसी देनी चाहिए, ताकि हिंदुस्तान में कोई दोबारा देशद्रोह की भाषा बोलने का प्रयास ना कर सके। और एक मैं यहाँ विशेष तौर पर सुरेश जी कहना चाहूंगा कि आम आदमी के शीर्ष नेता, आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दो काम करने चाहिए। सबसे पहले तो प्रशांत भूषण को पार्टी से निकालना चाहिए, वरना प्रशांत भूषण के बयान के लिए अरविंद केजरीवाल को सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। मैं आपको एक विशेष बात बताता हूँ, हमारे पास जो वोटिंग आया है, एक मिनट, उस वोटिंग में प्रशांत भूषण के खिलाफ बोलने वाले वो भी लोग हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट किया है, क्योंकि यह बात पार्टी की नहीं, बात देश की है। हाँ, प्रशांत भूषण को शायद ये नहीं पता कि देश की जनता ये जान चाहती है कि पाकिस्तान भी हमारा हो, कश्मीर की तो बात ही क्या है। और केजरीवाल जी ने यह करना चाहिए जो अपने आप को इतना ईमानदार और समझदार दिखाते हैं, अभी तक डिसीजन ले लेना चाहिए था और कांग्रेस ने भी समर्थन वापस ले लेना चाहिए था कि प्रशांत भूषण को उठाकर बाहर फेंके, और इसके साथ वो हाल होना चाहिए जो पाकिस्तान की जेल में बंद अपने सरबजीत के लिए हुआ था या दूसरे जो अपने सेना के नौजवान है जिनके सिर काटे गए थे, इनका सिर कलम होना चाहिए, तभी देश को जो है श्रद्धांजलि सही मिलेगी इसके प्रति। बिल्कुल, ये इस प्रकार की प्रतिक्रिया आने के बाद बहुत से लोगों को लगेगा कि कहीं हम हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, कहीं हम गैर कानूनी काम को बढ़ावा दे रहे हैं, कहीं हम इस प्रकार की बात से अहिंसा फैला रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं कहना चाहते। उल्टा प्रशांत भूषण उन लोगों का समर्थन करते हैं जो मुंह से नहीं बोलते, बंदूक से बोलते हैं, जो बंदूक के साथ साथ बम से बोलते हैं, हैंड ग्रेनाइड से बोलते हैं, रॉकेट लॉन्चर से बोलते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ अगर हमारा भाई कभी कोई अपशब्द बोलता है तो उसको बोलने का अधिकार देना चाहिए। आप मानते हैं कि नहीं? देना चाहिए, बोलिए। मैं सबसे पहले जो अरविंद केजरीवाल जी ने जो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था, नहीं हम उसमें नहीं जाएंगे, हम मानते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्रवाद का है, उस पर बात करिए। देशद्रोही का मुद्दा जो है राष्ट्र भ्रष्टाचार के मुद्दे से कहीं बड़ा है। भ्रष्टाचार अपने देश का है, लेकिन जो विदेशी ताकत हमारे यहाँ वो कर रही है कश्मीर में, उसके लिए जो प्रशांत भूषण ने बोला है, तो केजरीवाल से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो वास्तव में स्वच्छ और सरकार देना चाहते हैं, शासन लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी पार्टी से ऐसे देशद्रोही नेताओं को बाहर करें और उनके प्रति जो है कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, उनके पार्टी ने नारा दिया था मैं पहले भ्रष्टाचार मुक्त भारत, और प्रशांत भूषण नारा दे रहा है कश्मीर मुक्त भारत। क्या कश्मीर मुक्त भारत हमको मंजूर है? नहीं। क्या कश्मीर मुक्त भारत हमको मंजूर है? कदापि नहीं। हम अपनी शान देंगे, जान देंगे, कुछ भी देंगे, लेकिन कश्मीर कभी नहीं देंगे। मैं पहले तो सुदर्शन न्यूज का सबसे हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूँ कि बादली गांव में पहली बार आकर इन्होंने प्रोग्राम किया। प्रशांत भूषण नंबर वन देशद्रोही है, पहले भी इसने एक भाषण दिया था जिसके इसके चैम्बर में जाके इसके साथ पहले भी मारपीट हुई थी कश्मीर के बारे में। कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है और टूटते वक्त
कभी भी हम उसका टूट नहीं देंगे, चाहे जान हो चार चले जाए, जान जाए, लेकिन कश्मीर अब हिंदुस्तान में रहेगा, रहेगा 100% रहेगा, बिल्कुल, क्या हमारी जान चली जाए। सबसे पहले सुदर्शन न्यूज चैनल को हमारा आभार व्यक्त मत करिए, आप डायरेक्ट आपने मुद्दे पे बोलिए, मुद्दे बोलिए, ये कोई बात नहीं हुआ, फिर अब ले जाइए, नहीं नहीं हर व्यक्ति आभार व्यक्त करेगा। हमारे हमारे संविधान में बटक वृक्ष का बहुत बड़ा महत्व है, और इसे जो है वो सांसद का ये दिया गया है, और साफ साफ शब्दों में मैं प्रशांत भूषण जी को बोलना चाहता हूँ कि ये प्रशासन का काम है, दूसरी बार आवाज आया तो मैं चीर दूंगा, अगर ये चेहरा देखना है तो ये सामने खड़ा है, और पहले मैं उसे उन्हें थ्रेटनिंग देता हूँ। और आज सभी भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ कि 2011 में मैंने माननीय बीके झा के न्यायालय में इन लोगों के ऊपर देशद्रोही का मुकदमा किया था, जो पेपर भी मेरे साथ में। वाह, तालियां बजाइए इनके लिए, हमको हमको सारे प्रकार की लड़ाई लड़नी है, हमको मीडिया से लड़ाई लड़नी है, जन जागरण करना है, और ऐसा न्यायालय यही मैं विनती करता हूँ कि ये देश को टुकड़े करने का सोचने वाले के हजार टुकड़े होंगे और टुकड़े गिनने वाले कोई नहीं होंगे। चलिए धन्यवाद। हाँ जी, प्रशांत भूषण जी ने जो बयान दिया है, भाई कैसे कह रहे हैं? नहीं भाइयों के ठीक है, प्रशांत भूषण जी ने जो बयान दिया है देश के खिलाफ, उसको एक बात याद रखनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी 60-65 साल से राज कर रही थी, उन्होंने जो दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान के अंदर बिठा कर रखा था, चार राज्यों में उनकी हार हुई, तो आज उनको दाऊद इब्राहिम याद आ गया, उनको यह याद नहीं याद रखना चाहिए कि आने वाला कल भी इसके इसके लिए तैयार बैठा है, और दाऊद तो अब वापस आना चाहता है, नहीं कल का दाऊद जो है, कल का जो दाऊद इब्राहिम होगा प्रशांत भूषण होगा, उसको प्रशांत दाऊद इब्राहिम को हमारा है ना, जो नरेंद्र मोदी अपने आप लेकर आ जाएगा, हमने जूझना। आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, ये आप पार्टनर प्रशांत भूषण ने जो देशद्रोही का ये बयान दिया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और हम तो यही कहेंगे पूरे भारतवासी कि इस आदमी के खिलाफ देशद्रोही का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, और देश प्रशांत भूषण जो कि आम पार्टी से ही संबंधित व्यक्ति हैं, केजरीवाल इसके लिए माफी मांगे, माफी नहीं मांगे तो कम से कम इतना जरूर कह दें इसको पार्टी से निकाल के बाहर फेंक दें, और नहीं तो देश इसको माफ करने वाला नहीं है। ये प्रशांत भूषण ने जो देशद्रोह का काम किया है ये तो किया ही है, लेकिन साथ में देश के जो गृह मंत्री हैं वो भी अपनी आंख खोल के सुन ले जनता की आवाज। ये बड़ा शर्मनाक बयान है, जो हमारे देश का लांस ना है कि हेमराज सईद जो है उनका सरकार के पाकिस्तानी ले जाते हैं, और वो बोलते हैं तो बात पुरानी होगी, इस बात को भूल जाओ, ये बड़ा शर्मनाक बयान है, रोकना चाहिए। बिल्कुल, हाँ बोलिए बोलिए। जो प्रशांत भूषण कह रहा बॉर्डर पे से ये हटा लिए जैसे है ना, तो रक्षा उसकी बाप करेगा के? ये बताओ, मैं ये हुई ना बादली स्टाइल। हम नहीं हटाएंगे अपनी सेना, और हम जरूरत पड़ी तो हम खुद ही मरने काट लिए तैयार है। मैं केजरीवाल से बस इतना कहना चाहती हूँ कि जो इसने इतने बड़े बड़े वादे किए कि मैं ये कर दूंगा मैं कर दूंगा, क्या प्रशांत को इसलिए लाए थे कि देश के दो टुकड़े कर दे, कश्मीर हमारा हमारा रहेगा, और जो ऐसे भाषणबाजी करेगी उस पर मुकदमा होगा। आप बोल, अभी हम अरुणाचल की वन यात्रा पे गए थे, वापसी आते समय दो जवान हमारे साथ थे, उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई। अभी एक भाई जो कश्मीर के बारे में कह रहा था, उसी कश्मीर के बारे में उनको हथियार दिए जाते हैं जवानों को, और हथियार उग्रवादी आते हैं हथियार छीन कर ले जाते हैं, अपने हथियारों को बचाने के लिए वो उनसे एक इस गाल पर थप्पड़ मारते हैं, एक इस गाल पर मारते हैं। ये हाल वहां पर कश्मीर के लोगों के द्वारा, लोग वहां के उग्रवादियों के द्वारा ये किया जाता है, और ये भाई ये कह रहा है कि वहां पर रेड लाइट होती है तो मुर्गा बनाया जाता है। आप ऐसे कोई प्रशांत भूषण ने जो बयान दिया ना, वो चुनाव में इनके पास मोटी धनराशि आई थी, उसके बदले में बयान दिया गया है कि जम्मू कश्मीर से सेना हटाई जाए,
इस जैसे देशद्रोही को रोड पे खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। और एक बात और है, बाकी इश्क पे दीपर दे देंगे या शरीर न छोड़ेंगे हम जम्मू और कश्मीर। वाह, खड़े हो ना। हाँ चलिए, यहाँ पर भाई कुछ कहना चाहते, इनके पास चलते। जैसे अमेरिका ने सद्दाम हुसैन के साथ किया था, वैसे ही भारत ने प्रशांत भूषण के साथ करना चाहिए। पर उन्होंने तो बता दिया था कि सद्दाम हुसैन की लाश हमने समुद्र में डाल दी है, लेकिन इसकी लाश का भी पता नहीं लगना चाहिए कहाँ गई कहाँ नहीं गई। आप बताइए, भारत में जगह नहीं देनी चाहिए। ये प्रशांत भूषण जी जो बयान दे रहे हैं, हमें लगता है कहीं ना कहीं ये प्रशांत भूषण और जो ये अपना कुमार विश्वास जी हैं, कुमार विश्वास जी और प्रशांत भूषण जी कहीं ना कहीं देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। इन्होंने, इनको क्या पता, इनके घर से कोई सेना में तो है नहीं, कोई आज तक शहीद हुआ नहीं है। जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी उनकी दर्द को ये समझे। और मैं करूँ कि प्रशांत भूषण जी को केजरीवाल अपने पार्टी से अलग करे और इनको देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए और इनको फांसी होना चाहिए। हेलो, मैं सर ये कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए, कि ये देशद्रोही क्रम, अगर जो जैसे कि कोई क्राइम करता है तो उसके लिए जुर्म है, अगर कोई क्राइम नहीं करेगा तो जुर्म किस लिए है? ठीक है, मेरी बात सुनिए, अगर कोई किसी के पास हम काम कर रहे हैं, कोई भी आजकल 18 साल का 19 साल का कहीं भी काम करता है, कोई भी कॉन्ट्रेक्टर 3 महीने 4 महीने उसकी पगार रख लेता है, उसको भगा देता है, काम करवा के पैसे नहीं देता है, उसके लिए कोई उठा देगा नहीं उठा देगा? ऑब्जेक्शन शांत भूषण। चलिए चलिए, ऐसे मुद्दों के लिए सुदर्शन पे हम प्रशांत भूषण जी ने जो बयान दिया है, और इस देश में कितनी दुखद स्थिति है कि 65 साल बाद भी हमको देश के समस्या के समय अपना पेट याद आता है, ये इस देश के राज्यकर्ताओं का अपयश है। और इसलिए इस भाई ने कहा है, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, क्या आप जानते हैं कि भारत में कश्मीर में हमारे 1,00,000 लोगों ने शहीदी दी है। भारत जब से आजाद हुआ तब से 1,00,000 लोगों ने शहीदी दी है। इतनी बड़ी संख्या जिस राज्य के लिए हमारे लोगों ने शहीदी दी, क्या ऐसे राज्य को हम अपने देश से अलग होने देंगे? कभी होने देंगे? कभी होने देंगे? और इसलिए इसके लिए हमेशा इसके लिए लड़ते रहेंगे। एक और भाई क्या कहते सुनते। प्रशांत भूषण जी ने जो भाषण दिया है देश के विरोध में, मैं ये कहना चाहूंगा, प्रशांत भूषण जी के, उनके बाप का तो ये जो मिलिट्री है उनके बाप का नहीं है, जो उनके कहने से बॉर्डर पर से हटा दिया जाए। ठीक, ऐसे लोगों को बीच चौराहे के ऊपर गोली मार देनी चाहिए, जो हमारे कश्मीर के एवं में कोई जो उसके। धन्यवाद, हम आपका जोश समझते हैं। मैं अरे हेलो, प्रशांत भूषण शकल देखिए बुढ़ापा आ गया, लग रहा है भारत को भी बुढ़ा कर देंगे। चलिए और कोई हम इधर भी कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे, हम नए नए लोगों को जरा। प्रशांत भूषण ने जो देशद्रोह की बात करी है उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, और केजरीवाल जी को उसको जूते मार के पार्टी से बाहर करना चाहिए। ऐसे गद्दार आदमी को देश में रहने की कोई जगह नहीं है। आप इनसे सहमत है? इनसे सहमत, हाथ ऊपर करिए, जरा ठंड है, जरा हाथ ऊपर होना चाहिए। हमारे बिंदास बोल का जो सिंबल है वो हाथ ऊपर करके जरा ऐसा करिए। भारत माता की, वंदे। हम गाजी जी को यहाँ पर बुलाते हैं, हमारे साथ एक राष्ट्र कवि है। गाजी जी, आप अपनी बात करो। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का मस्तानों का, अलबेलों का मस्तानों का। ये देश है वीर जवानों का, यहाँ प्रेम के गाने होते हैं, यहाँ ढोल और ताशे बजते हैं, यहाँ रोज भांगड़ा होता है, यहाँ रोज भांगड़ा होता है, यहाँ राजे मौज उड़ाते हैं। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का मस्तानों। शहीदों के लहू का बाकपन,
मेला नहीं होता। शहीदों के लहू का कुपन मेला नहीं होता। तिरंगे ओढ़ने वालों का तन मेला नहीं होता। तिरंगे ओढ़ने वालों का तन मेला नहीं हो। मुबारकबाद उनको जो वतन पे जान देते हैं। मुबारकबाद उनको जो वतन पे जान देते हैं। वतन पे जान देने का चलन मेला नहीं होता। शहीदों के लहू का कुपन मेला नहीं होता। जो है नफरत पसंदों से यही कह दो जरा उनसे। सगुफा कुछ भी हो गंगो जमन मेला नहीं होता। सगुफा जिस पे हो गंगो जमन मेला नहीं होता। और एक खूबसूरत शेर आखिरी भी सुनाएंगे। भगत अशफाक हो शेख हो या झांसी की रानी हो। भगत अशफाक हो शेख हो या झांसी की रानी हो। वतन पे मिटने वालों का जहन मैला नहीं होता। वतन पे मिटने वालों का जहन मैला नहीं होता। हो गर्मी चाहे अपनी सीमाओं पे रहते हैं। हो गर्मी चाहे सर्दी अपनी सीमाओं पे रहते हैं। वतन के ऐसे रखवालों का मन मैला नहीं होता। वतन के ऐसे रखवालों का मन मैला नहीं होता। शहीदों के लहू का कुपन मैला नहीं होता। तिरंगे ओढ़ने वालों कतन मेला नहीं होता। तिरंगे ओढ़ने वालों का मन मेला नहीं होता। सितारे भी शहीदों के कफन पे नाज करते हैं। सितारे भी शहीदों के कफन पे नाज करते हैं। निरी मिट्टी से भी इनका कफन मैला नहीं होता। तो जो कफन कभी मैला नहीं होता वो तिरंगा जो आपके हाथ में है, हमारी शान है, भारत माँ की जान है, इस देश का राष्ट्रीय ध्वज है। ये तिरंगा ओढ़ने वाले का मन कभी मैला नहीं होता। और उसके मन के ऊपर, उसके हाथ के ऊपर, उसके शरीर के ऊपर और उसके ड्यूटी के ऊपर और उसके कर्तव्य के ऊपर अगर कोई सवालिया निशान खड़ा करता है तो हम कहते हैं कि उसका मन मैला नहीं काला है। और इसलिए प्रशांत भूषण का मन भी काला है। तो जिसका मन काला है उसका चेहरा कैसा होना चाहिए? जिसका मन काला है उसका चेहरा कैसे होना चाहिए? उसको सफेद चेहरा दिखाने का अधिकार है। और जो उसका चेहरा सफेद बना के रखता है वो गलत कर रहा है। इस देश का तमाम मीडिया से मैं सवाल पूछता हूं,
कि आखिर प्रशांत भूषण को वो प्रशांत जी कह के क्यों बुला रहे हैं? क्या हिंदुस्तान की आवाज है? नहीं। हिंदुस्तान जी कहना चाहता है? नहीं। जो हिंदुस्तान प्रशांत भूषण के खिलाफ सजाए मौत चाहता है, जो उसको देशद्रोह की कार्रवाई चाहता है, इस नंबरों पर चल रहे, जो हमारा फोन नंबर है 0114952334, यहां पर आया हुआ डाटा हम केजरीवाल जी को देने को तैयार है कि देखे इस देश की जनता की प्रतिक्रिया क्या है, उसकी राय क्या है। और अगर आप कहते हैं कि राय शुमारी करने के बाद हम निर्णय करते हैं, तो कम से कम आज यहां से हम कहते हैं कि बादली का निर्णय है कि प्रशांत भूषण को देशद्रोही घोषित करो। आप सहमत हैं? हाथ उठाकर आपको वोटिंग करना है, आपको हाथ उठाकर वोटिंग करना है कि क्या प्रशांत भूषण को देशद्रोही घोषित किया जाए, देशद्रोही घोषित किया जाए। कुछ लोग दो दो हाथ उठा रहे हैं, उनको लगता है कि दो दो बार फांसी की जरूरत है। चलिए, वैसे भी देश के दुश्मनों का नामो निशान मिटाना जरूरी है, भले वो सीमा पार के उधर है, भले या सीमा पार के इधर है। चलिए, इधर वालों की कुछ की प्रतिक्रिया लेते हैं जो देशभक्त है। अपना दुख कुछ भोजपुरी भाषा में सुनाना चाहते हैं, जरा सबको समझ में आए, ऐसा बोली भैया। ऐसा है कि जे कश्मीर के खिलाफ अगर बोले तो तेहा का चौराहा खड़ा कही के तुरंत गोली मार दे चाहिए, ठीक है। और प्रशांत भूषण सबसे कमीना इंसान है, वह का तो हमारे सामने ले आओ तो जूता से 100 जूता मारी हम। अब भैया अगर किसी को समझ ना आया हो तो हम हिंदी में बताऊं, ठीक है? ठीक है, ऐसी भाषा पूरा हिंदुस्तान समझता है और ये भाषा प्रशांत भूषण भी समझ ले। देखिए कितनी अच्छी बात है कि हमारी भाषा कोई भी हो, हमारी भावना एक है। भोजपुरी में भी जूते ही पड़ने हैं। हाँ। प्रशांत भूषण जी ने जो देशद्रोह का बयान दिया है और तिरंगे की शान में जो गुस्ताखी की है और शहीदों के खून से के साथ गद्दारी की है, इस गद्दार आदमी को केजरीवाल को पहले 100 जूते मारने चाहिए और बादली गांव भेज देगी पब्लिक, उसको सबक अपने आप सिखा देगी। मैं प्रशांत भूषण को ये बताना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने अभी 2 दिन पहले बयान दिया जो कि अगर किसी को मारना है तो वो मेरे को बताए जगह। मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि बादली में प्रशांत भूषण को भेज दे, उसको पता लग जाएगा जो वो जिंदा जाएगा या मर के जाएगा। मैं केजरीवाल जी, केजरीवाल से मेरा सवाल है कि जब केजरीवाल जी की सरकार बन रही थी तो उन्होंने SMS करवाए थे कि भाई जो SMS ज्यादा करेगा तो हमारी सरकार जब ही बनेगी, तो सबों ने समर्थन किया। और फिर उसके बाद अब पूरे भारत से यदि समर्थन होता है, SMS आते हैं, तो आप प्रशांत भूषण को केजरीवाल जी क्या पार्टी से बाहर निकालोगे? बिल्कुल, और इसीलिए हमने केजरीवाल जो भाषा समझते हैं वही भाषा में हमने अभियान चालू किया है और इसलिए आपके पास कॉल का ऑप्शन है, SMS का ऑप्शन है और आप ऑनलाइन भी वोटिंग कर सकते हैं। उसके लिए www.sudarshannews.com इस हमारे आप साइट पर जाइए और यहां पर अपनी प्रतिक्रिया यस या नो में दीजिए। वैसे तो उसके पक्ष लेने का ऑप्शन रखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन देश में लोकतंत्र होना हो, हम बिंदास में लोकतंत्र को मानते हैं और इसलिए यहां पर हमने ऑप्शन दिया है कि अगर कोई प्रशांत भूषण की भी पक्ष रखना चाहता है तो उसको वोट कर सकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है उसके लिए और हम सबके लिए सौभाग्य की कि प्रशांत भूषण को अभी तक 1% लोगों ने भी वोट नहीं किया है। यह आपका विजय है, यह बादली का विजय है। और अभी इस कार्यक्रम के दौरान कई हजार फोन यहां पर लैंड हुए हैं और उन सबने प्रशांत भूषण के खिलाफ प्रतिक्रिया दी है। और भी कई लोग यहाँ पर अपनी बात को कहना चाहते हैं, हम उनके पास भी जाएंगे। कई युवा भाई अपनी बात को कहे क्योंकि युवाओं की आवाज आना जरूरी है। हाँ, इधर एक युवा भाई। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा जो ये लोग बैठे हुए हैं ये अपने जोश को ठंडा ना होने दे, सब अपने अंदर जोश को जगाए रखे भारत माता के लिए। और मैं इस प्रशांत भूषण के बारे में कहना चाहता हूं कि जो इसने बोला है और उसके ऊपर की गई थी शाही फेंकी गई थी, अगर मैं उस वक्त वहां पर होता तो इसके मुंह को काला करके बल्कि इसके कपड़े पूरे फाड़ के इसको गधे पर घुमाता। और जो गोधरा कांड में हमारा गोधरा कांड हुआ था और उसमें इतनी मीडिया ने दिखाया था, क्या कश्मीर में जो हिंदू मरते हैं या कुछ होता है तो ये मीडिया कहाँ चली जाती है?
तब कुछ भी नहीं दिखाया जाता है। क्या इस देश का यही हाल होगा? इस मीडिया को कौन समझाएगा? थोड़ा बहुत मीडिया भी हमें साथ दे, हमारा साथ दे, तो युवाओं के अंदर जोश भरे। पता लगना चाहिए कि कश्मीर के अंदर क्या क्या होता है। इस देश का हाल ऐसे ही रहेगा तो इस देश का युवा तो बिल्कुल मिट्टी में मिल जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ, सब भाई बोल रहे हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ठंडी के साथ साथ प्रशांत भूषण जैसे लोगों को भी बता पकड़ा, इसलिए हाथ उठा के भारत माता की वंदे भारत माता की। हाँ भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो लोग अपने देश का खाते हैं और दूसरे के देश की प्रशंसा करते हैं, उन लोगों को तो खुद ही डूब के मर जाना चाहिए। ऐसे लोगों को बादली में क्या कहते हैं? जो घर का खाते हैं, जो गद्दार का खाते हैं, गद्दार किस क्या क्या होता था? मरना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज के यहाँ गद्दारों के लिए सजा थी। वहां पर पहाड़ होते हैं बड़े बड़े, और उस पहाड़ों पर लेके जाते थे और सबसे ऊंची जो चोटी होती थी उससे उसको धक्का देते थे और नीचे गिरा देते थे, क्योंकि इस खौफ को देखकर दोबारा कोई देश के साथ गद्दारी न करे। हमारे आज के कानून बिके हुए हैं, व्यवस्था भ्रष्ट है, ऐसे में देशद्रोहियों को कड़े लौट उनका करना चाहिए। लेकिन आज वो देश के शीर्ष स्थानों पर बैठे हैं और करीब करीब ज्यादातर राजनीतिक दलों में बैठे हैं, और इसलिए देश के लिए हिंदुस्तान की आवाज आना चाहिए और वो आवाज हम आपसे सुनना चाहते हैं। एक और कॉलर। ये लोग देश को बेच देना चाहते हैं पाकिस्तान के हाथ, इसीलिए ये पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। ये गद्दार है, गद्दार, इनको फांसी दे देनी चाहिए, जूते चप्पल मार मार के लाल किले पे ले जाके वहां फांसी लगा देनी चाहिए इनको। हाँ, बादली से जो सभी अपने कार्यकर्ता बोल रहे थे, एक बात उन्होंने स्पष्ट कर दी कि बिंदास में वो ताकत है जो जनता सोई हुई है उसको जगाने की, और इस सोई हुई जनता को जगाने का काम प्रशांत भूषण ने ऐसा बयान देकर कर दिया जो कि राष्ट्र विरोधी है, जो हमारी संस्कृति विरोधी है। उस बयान के प्रति हमारी निंदा होनी चाहिए उसकी, और उसको जेल में बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल। और इस मौके पर इन्होंने जो कहा कि प्रशांत भूषण के इस बयान के कारण हिंदुस्तान जगने का मौका मिला है, लेकिन अगर वो जगेगा नहीं, अगर वो सोया रहेगा, तो एक नहीं लाखों प्रशांत भूषण तैयार होंगे। प्रशांत भूषण देशद्रोहियों का प्रतीक है, एक व्यक्ति नहीं, एक ऐसा विचार है जिस विचार को तुरंत कुचल देना चाहिए। और अगर वो समय पे नहीं कुचला गया तो ऐसे राक्षसों से, शरीरों से पड़ने वाली एक बूंद 100 राक्षसों को जीवित करती है। क्या आप ऐसा चाहते हैं? क्या आप ऐसा होने देंगे? इसको रोकना है, कैसे रोकेंगे? पहले तो बिंदास बोलेंगे, इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, हम जाएंगे। लेकिन आप भी इस बादली के विभिन्न चौराहे पर कल सभा करिए, लोगों की राय लीजिए, ज्यादातर लोगों को इस नंबर पर फोन करने के लिए कहिए, और अपना आवाज शांत मत होने दीजिए, क्योंकि प्रशांत भूषण एक नहीं, ये तो बस एक हिमशिखर का एक छोटा सा कण आपको दिख रहा है। इस देश में पाकिस्तान सीमा के उस पार ही नहीं, इस देश के सीमा के अंदर भी कई जगह बढ़ रहा है, और उस पाकिस्तान को अगर रोकना है तो प्रशांत भूषण जैसे लोगों को रोकना जरूरी है। अब उठो जागो, न सोने का समय है, अस्त्र कण पोछो, न रोने का समय है। क्योंकि जिस तरह से यह गैर जिम्मेदाराना भाषण हुआ है, उससे तो ऐसा लगता है कि रहा हाल यदि ऐसा ही, तो अर्य स्थान बना देंगे भारत में ही एक नया, ये पाकिस्तान बना देंगे। इसलिए अब हमें अपने आप को उठना होगा, और उठना होगा तुम्हें जवानों, फिर से कमर कसना होगा, मातृभूमि की रक्षा में तन मन अर्पण करना होगा। वाह, इनके लिए तालियां, क्योंकि ऐसे युवा चाहिए, प्रतिभाशाली लोग चाहिए। ज्यादातर युवा भ्रमित हो चुके हैं, और उन युवाओं को सही दिशा देने की जरूरत है। आज हम 10 जनवरी को बात कर रहे हैं, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, 150 साल हो चुके हैं, लेकिन तब तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मुझे 100 युवा दे दो, मैं इस हिंदुस्तान का चित्र बदल दूंगा। लेकिन आज अगर स्वामी विवेकानंद जी होते तो उनको 100 नहीं, शायद 1 करोड़ युवा मांगने पड़ते, क्योंकि गली गली में प्रशांत भूषण है, उनको रोकने की जरूरत है।
मैं इतना कहना चाहता हूं कि देश में लग रहा है कि इतिहास दोहराया जा रहा है। आज से 40-45 साल पहले बंगाल के अंदर इसी प्रकार चीन के समर्थन से कुछ लोग खड़े हुए थे और उन्होंने वहां पर भ्रष्टाचार और बड़ी बड़ी बातें की थी। आप जानते हैं कि 35 साल में उन्होंने बंगाल को बर्बाद कर छोड़ दिया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के अंदर वो इतिहास दोहराया जा रहा है। एक बार फिर विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर जो है कुछ लोग यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अभी उन्होंने किया कुछ नहीं है, केवल बातें करी हैं और मुझे लगता है कि ये बंगाल की तरह दिल्ली को भी बर्बाद करके छोड़ देंगे। ये देश की जनता को देखना होगा और समझना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग एक साजिश के तहत बंगाल को यहाँ दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, इस विषय पर एक जयचंद की कविता मुझे इनकी याद आ रही, जरा उनकी भी चार लाइनें हो जाए। तालियां गजेंद्र जी के लिए। मैंने तो पहले भी कहा सुरेश जी, मुझे बहुत सुखद लग रहा है और मुझे ही क्या, जहां जहां ये चैनल देखा जा रहा होगा उस हर देशभक्त का कहीं खून खौल रहा होगा। वो समझ रहे होंगे कि इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो इस देश के साथ में गद्दारी करते हैं। नौजवानों की बात आई, इस देश का नौजवान बहुत देशभक्त है, लेकिन उसको अपनी दशा और दिशा तय करने के लिए जागरूक रहना पड़ेगा। एक छंद नौजवानों को देना चाहता हूं, इस देश के नौजवानों को, सुदर्शन चैनल के माध्यम से, कि लुटता हुआ वतन देख कर खोले नहीं सोचो ऐसे खून की रवानी किस काम की, और स्वार्थों की चौसर पे हारती ही जा रही जो स्वाभिमान शून्य जिंदगानी किस काम की, तो जिसमें न त्याग देश प्रेम ना ही बलिदान सोचो जिंदगी की वो कहानी किस काम की, और कर्ज निज माटी का चुकाए बिना ढल जाए दोस्त बताओ वो जवानी किस काम की जी, दोस्तों बताओ वो जवानी किस काम की जी। तो जवानी तो वही होती है, ये तिरंगा लहरा रहे हैं मेरे नौजवान साथी, इस तिरंगे की आन बान शान के लिए अनेक बलिदानियों ने बलिदान दिए, हुतात्माओं ने अपने बलिदान दिए, हुतात्माओं ने, तब ये कहीं आजादी हमको मिली है। वो आजादी भी खंडित आजादी मिली हमको, उसको भी कहीं ना कहीं और खंडित करने के कहीं ना कहीं प्रयास किए जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हर व्यक्ति को जागरूक रहना पड़ेगा। मैं तो यह भी कह रहा था, हो सकता है कुछ अतिरिक्त बात हो जाए, कुछ बड़े नेता जो है गले में मफलर बांध के घूम रहे हैं, सुरेश जी मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन आप सब जानते हैं, और अगर जो सरकार ऐसे देशद्रोही के लिए कोई फांसी की सजा मुकर्रर करती है तो उस मफलर से बढ़िया कोई चीज नहीं हो सकती है फांसी का फंदा बना लेने के लिए। तो इसलिए बहुत सारे विषय जो हैं इस देश की जनता के जागरूक रहने के लिए हैं। कहीं ये देश भगत सिंह का देश है, रानी लक्ष्मीबाई का देश है, चंद्रशेखर आजाद का देश है, अशफाक उल्ला का देश है, और ऐसे अनेक देशभक्तों ने जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूम लिया, और कहीं आज उनकी कुर्बानियों को, मैंने कभी लिखा था कि पहरेदार वतन के सपने क्यों मिट्टी में मिला गए, और खून दिया किसने आजादी जाने किनको दिला गए, खून किसने दिया। भगत सिंह को याद करिएगा, इस देश के नौजवानों के लिए आदर्श हो सकते हैं। मैंने लिखा था कि मातृभूमि को दिलाने मुक्ति जो कमाया नाम बलिदानी शौर्य की सच्चाई को नमन है, और जिसने अमर क्रांति ज्वाल को जन्म दिया ऐसी पुण्य कोख वाली माई को नमन है, तो इनकलाब जिंदाबाद वाले घोष को नमन, आजादी के युद्ध के कन्हाई को नमन है, और वरमाल की बजाय फांसी को गले में डाला भगत की क्रांति तरुणाई को नमन है जी, भगत की क्रांति तरुणाई को नमन है। तो इसलिए आप ये नहीं सोचिएगा कि आप में से हर कोई व्यक्ति अकेला है, आप अकेले नहीं है, आप हिंदुस्तान की वो मजबूत इकाई हैं कि अगर एक एक व्यक्ति हाथ पकड़ के खड़ा हो जाएगा कि देशद्रोहियों के कहीं पसीने छूट जाएंगे, ये बात याद रखिएगा। आप कमजोर नहीं है, इस देश की 125 करोड़ जनता इस देश की शक्ति है, केवल उस स्वाभिमान को पहचाने की जरूरत है, उस स्वाभिमान को पहचानने की जरूरत है जिस स्वाभिमान के कारण भारत को भारत कहा जाता है। पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देख रही है, आज हमको जागरूक रहने की आवश्यकता है, और तो मैं चाहता हूं आखिरी एक दो प्रतिक्रियाएं और सुरेश जी लेना चाहेंगे। हाँ चलिए,
क्योंकि बिंदास आज हमने विदाउट ब्रेक आपके सामने से किया है, क्योंकि जो देश को ब्रेक करना चाहते हैं उनके खिलाफ की लड़ाई ब्रेक नहीं होनी चाहिए, इसलिए बिंदास बोल विदाउट ब्रेक आपके सामने हुआ है। आज जो प्रशांत भूषण ने जो बयान दिया है वो वाकई देशद्रोही है। मैं बड़े दुख के साथ बड़े उससे मैं उस नेताजी सुभाष चंद्र की शहादत याद करता हूं, जिन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करता हूं जिन्होंने कश्मीर पे इतना बड़ा अपना बलिदान त्याग दिया। मैं डॉक्टर अंबेडकर को याद करता हूं जिन्होंने अपने संविधान में भारत माँ के इस और इस कश्मीर के मुद्दे पे अनेकों बातें लिखी। ऐसे देशद्रोही प्रशांत भूषण को मैं बादली गांव की जनता की तरफ से निंदा प्रस्ताव करता हूं, और इनको कड़ी से कड़ी सजा दे और इसको भारत की नागरिकता से बेदखल किया जाए, मेरी ऐसी आवाज है। आज इन्होंने एक बात कही, आज हम यहाँ पर हमने वैसे तीन बार पूछा है, अभी हमने यहाँ पर तीन बार पूछा, लेकिन हमारे इस भाई ने जो निंदा प्रस्ताव यहाँ पर रखा है, हम ऑफिशियली जरा कैमरा सब लोगों का एक साथ शूटिंग करें, क्योंकि लोकतंत्र की गुहाई देने वालों को बहाना न मिल जाए कि सारे लोगों ने हाथ ऊपर नहीं किया था। इसलिए मैं तीन बार अलग अलग सवालों में आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा, और बादली की आज की ये जनसभा बिंदास बोल में कैमरे के सामने 125 करोड़ लोगों के सामने अपना वोट देगी। बिंदास बोल का आज का सवाल था, क्या प्रशांत भूषण पर देशद्रोह की कार्रवाई होनी चाहिए? होनी चाहिए। हाथ ऊपर करके वोट करें, नीचे करिए। हम ये सवाल वैसे पूछने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी लोकतंत्र इसलिए पूछते हैं कि कोई प्रशांत भूषण के साथ है क्या? वो भी हाथ ऊपर करके नहीं, जो है वही हाथ ऊपर करेगा। तो यहाँ पर प्रशांत भूषण के साथ कोई नहीं है, 100% लोगों ने यहाँ पर इस बात को रखा है। कार्यक्रम के अंत में मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए यही बात कहना चाहूंगा कि हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि हम लोगों में गुस्सा फैलाए या हिंसा फैलाए। गुस्सा तो हम फैलाना चाहते हैं, मैं कैमरे के सामने कहता हूं कि गुस्सा हम फैलाना चाहते हैं, लेकिन हम हिंसा नहीं फैलाना चाहते। लेकिन जो गोला बारूद, जो गोली के साथ साथ बॉम्ब फेंक कर भी इस देश को तोड़ना चाहते हैं, उनका समर्थन करने वालों को गोली मारनी चाहिए। हमको गाली तो देने दो, गाली तो देने दो, मंजूर है? और इसलिए हमने देहाती भाषा में अगर कुछ बातें बोली होगी तो इस हिंदुस्तान के सम्माननीय कानून को तोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि उसकी पुनः प्रतिष्ठापना करने के लिए है। और इसलिए हम आप सबके आभारी हैं, जो लोग आज बिंदास में कॉल नहीं कर सके वो इस नंबर पर कॉल करके अपनी बात को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अभी हम सब वंदे मातरम के लिए खड़े हो जाएंगे और सामूहिक वंदे मातरम से इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता द्रुमदल शोभनी सुहासनी सुमधुरभाषनी सुखदां वरदां मातरम्, वंदे मातरम्, वंदे मातरम्। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम्, वंदे मातरम्। सबके आभारी है। इस कार्यक्रम का रिपीट टेलीकास्ट आप रात को 11 बजे कल सवेरे 9 बजे देख सकते हैं सुदर्शन पर, सुदर्शन वीडियो कॉन पर 322 नंबर, बिग टीवी पर 428 नंबर, और डिश टीवी पर 581 नंबर पे आता है, और आपके यहाँ इन सिटी केबल पर भी आता है। धन्यवाद।